ऑफिशियली मैं खुद भी ऐलान करता हूँ इस बात का कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की क़यादत में आज मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा बन गया हूँ और इंशाल्लाह आगे तक आखिर तक हर महाज पे हर मुश्किल में साथ हूँ। और सच बात तो ये है कि हमारा मुल्क पाकिस्तान इस वक्त मुश्किल और प्रोग्रेसिव हालात से गुजर रहा है। मेरा मुल्क, आपका मुल्क, हम सबका मुल्क है, यहीं पर पैदा हुए हैं, सब कुछ शोहरत नाम इज्जत यहीं से मिली है। मैं चाहता हूं कि ये सोच के मैं हिस्सा बना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि बहुत सख्त जरूरत है पाकिस्तान में कि अच्छे लोग, ईमानदार लोग सामने आए और इस तहरीक का, पीटीआई के प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने ताकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन और कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना रहमतुल्लाह अलैह का जो ख्वाब है वो पूरा हो, एक ऐसा मुल्क जहाँ आम लोगों को, कॉमन लोगों को इंसाफ मिले। मेरे वालिद साहब आर्म फोर्सेज में सर्व कर चुके हैं तो मैं बचपन से वतन की मोहब्बत की किस्से, कहानी और कुर्बानियां सुनते हुए आया हूं और मैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की बातें सुनता हूं और अक्सर उन्हें ये कहते सुना है कि किस तरह लोगों ने मुख्तलिफ तरीकों से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान के लोगों को नुकसान पहुंचाया। तो यही वो वक्त है कि अच्छे लोग जिनके दिलों में जज्बा है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, ईमानदार है, वो सामने आए और अपना हक अदा करें और डिलीवर करें। और मैं अक्सर सोशल और नेशनल फोरम्स में इंगेज रहता हूं तो मैंने सोचा क्यों नहीं आप तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करके पॉलिटिक्स में आके बेहतर तौर पे पाकिस्तान के लिए कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और मैं ये भी जरूर कहना चाहूंगा कि इस सफर में मैं शुरू से इमरान खान साहब को फॉलो करता हुआ आया हूं और उनका सफर क्रिकेट से लेके सियासत में जब वो एंटर हुए तो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ अंदाजा हुआ उनके